आज का वीडियो में मैंने एक ऐसा काम किया है गाइस, तो गाइस बहुत ही धमाकेदार काम किया है। धमाके मतलब कुछ ऐसा काम किया है आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो गाइस अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो के बीच में बताऊंगा, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियो पूरा नहीं देखते। और गाइस वीडियो का टॉपिक है आज का, कि हम लोगों को कौन सा हेयर स्ट्रेटनर खरीदना चाहिए और कैसे यूज करना चाहिए। तो गाइस आज का टॉपिक ये है, और गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैंने कुछ अलग ही काम किया। अलग ही काम मतलब मैंने, अब मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, मैंने मेरा हेयर कटवा लिया है गाइस। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं मैंने मेरा हेयर कटवा लिया, और क्यों कटवाया गाइस मैं आप लोगों को बोलूंगा। सो गाइस अब मुझे बहुत लोग बोलेगा कि इसके हेयर में जरूर कुछ ना कुछ हो रहा होगा, ये इतना चीज करता था आपके खुद के हेयर में, कुछ ना कुछ तो जरूर हो रहा होगा। तो गाइस कुछ लोग ऐसे सोचेगा, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने खुद काटा है मेरा हेयर। और गाइस मैं छोटे, मतलब मम्मी ने मुझे बोल रहा था कि मैं छोटे से लेकर अब तक सिर्फ दो बार ही मैंने मेरा हेयर कटवाया था। सो पूरा कटवाया था, लेकिन कटवाना चाहिए था तीन बार, मम्मी ने ऐसे मुझे बोल रहा था। मैं मम्मी को बोला था क्यों तीन बार कटवाना चाहिए, मेरा तो हेयर ठीक ही है, उसे अब ठीक है, फ्यूचर में जाकर कुछ हो सकता है, ऐसे बोल रहा था। सो गाइस मैंने ये बात मुझे मम्मी ने 6 महीने पहले बोला था। सो मैं 6 महीने से मौका ढूंढ रहा था कब अपना हेयर पूरा काट सको, कब काट सको। अब मुझे लॉकडाउन में एक अच्छा टाइम मिल गया है, इसलिए मैंने इस मौके में काट दिया अपना हेयर। सो गाइस और कोई ऐसा रीजन नहीं था मेरा हेयर, कोई कहा से भी थोड़ा डैमेज भी नहीं हुआ था, पूरा बॉम्ब था हेयर। अब मुझे बुरा लग रहा है, कभी कभी बुरा लगता है अपना हेयर इतना अच्छा हेयर कट पा लिया मैंने। सो गाइस अभी पॉइंट पे आते हैं हम लोग, आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं। चलो गाइस पॉइंट में आते हैं। सो गाइस एक मिनट। सो गाइस ऑलराइट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोल रहा था, अब हम लोगों को पॉइंट में आना है। पॉइंट में आना है मतलब हम लोग जैसे टॉपिक था आज का, कि बोल दिया था आप लोगों को हेयर स्ट्रेटनर के ऊपर है। सो गाइस आप लोग जब भी फ्लिपकार्ट में देखते हैं, आप लोगों को दो प्रकार का हेयर स्ट्रेटनर देखने को मिलता है, एक मिलता है इस तरह का और एक मिलता है इस तरह का। सो गाइस दोनों में से कौन सा बेस्ट है मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस ये हेयर स्ट्रेटनर इस तरह का आता है, तो ये हेयर स्ट्रेटनर इस तरह का आता है। इधर एक थोड़ा सा डायल रहता है इधर, और ऑन करके इधर नंबर में इस बटन से आप लोगों को पावर बढ़ा भी सकते हैं, कमा भी सकते हैं। सो गाइस और गाइस मैंने इसको कुछ दिनों, मेरा जब हेयर लॉन्ग था तब मैंने ये अप्लाई किया था, तो इतना मुझे खास रिजल्ट नहीं मिला इससे। सो गाइस मेरे मतलब से ये लड़कियों के हेयर के लिए बेस्ट है, लड़के के लिए नहीं है। सो गाइस आप अगर लड़के हो तो ये खरीदो, आप अगर बॉयज हो तो ये खरीदो, ये गर्ल्स के लिए अच्छा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ गाइस, मेरे हेयर में ये इतना वर्क नहीं किया गाइस ये कि, लेकिन सबके हेयर में वर्क करता है, लड़कियों के हेयर में वर्क करता है और लड़के के भी हेयर में वर्क करता है। सो और गाइस हम लोग, मैंने तो बता दिया ये बात, और गाइस हम लोगों को ये बताना, हाँ हम लोगों को हेयर स्ट्रेटनर कैसे यूज करना चाहिए। सो गाइस हम लोगों को हेयर स्ट्रेटनर कैसे यूज करना चाहिए, सो गाइस सिंपल टिप्स है। सो जब भी आप अपने हेयर में हेयर स्ट्रेटनर करेंगे, उससे पहले आप आपके हेयर में हीट प्रोडक्शन लगाइए, क्योंकि हीट प्रोडक्शन लगाने से आपके हेयर में डैमेज नहीं होता, कुछ नहीं होता। इसमें जो इतना हीट होता है ना, इसमें इतना गर्म हो जाता है, हाथ लगने से ये जल जाता है हाथ। तो ये अपने हेयर में जाकर क्या क्या हो सकता है, छोटो कुछ हो सकता है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि अब अगर आपके हेयर में ऐसे ही मार देंगे तो आपके हेयर में बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे कुछ भी नहीं लगाकर ऐसे मार देंगे आपके हेयर में बहुत कुछ हो सकता है। और गाइस आप अगर हीट प्रोडक्शन लगाइए, हीट प्रोडक्शन लगाकर हेयर स्ट्रेटनर करेंगे, तब आपका हेयर में कुछ नहीं होगा। हीट प्रोडक्शन मैंने आप लोगों को जैसे मेरे पहले वीडियो में है ही, मैं कौन सा हीट प्रोडक्शन यूज करता हूँ, सीरम हेयर स्टिक प्रो। सो गाइस ये अच्छा हेयर स्ट्रेट हीट प्रोडक्शन है, और आपके हेयर को पूरा सॉफ्ट कर देता है ये ऑयल सीरम। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, और आई होप एंजॉय दिस वीडियो एंड मेक श्योर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब।